मालूम अपने आपको शाहरुख खान हूँ मैं। चोरू दिख रहा नहीं, चोरी करने आया हूँ। हमें क्या हो गया, कौन आ गया, हमें क्या हो गया, चोरू आ गया क्या? निकाल यार, एक बात करनी तेरे से। हाँ हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। जब अब्बा को तुमसे को बात करनी होती थी तुम्हारी अम्मा के सामने करते थे क्या? तो सिर्फ मेरा है ना। अरे तो क्या वाकई गोंद डालती है, चिपकी रहती है, इंसान बन जा। हूँ ना तेरा, कह तो रहा हूँ, सबसे पहले तो किससे शादी की मैंने? मुझसे। तो तेरे से ज्यादा प्यार है ना, वरना तेरे से दूसरी करता, उससे पहले करता। यही तो पूछना है नवाब से कि तेरे पास मुझसे हर चीज ज्यादा होती कैसे है? सीधी सी बात है, सीधा हिसाब है, नब गिन ले मेरे, मेरा खर्चा भी ज्यादा, मेरे बच्चे भी ज्यादा। चल 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 चल। अबे चुप, थोड़ा आराम से बात कर लो। हैं, बहन नहीं हो एक दूसरे की? अमर राजा को देखना मेरे मुंह पे जमाई ले रहा है। अरे शुगर बत्ती आ गई। सोना, अपने मुंह पर हाथ रख के जमाई लेना। अम्मा, तो इसका मुंह इतना करीब है। मैं अपना ढूंढ रहा था, इसका मिल गया। तो तेरा भी तो इतना बड़ा मुंह है, पहचान नहीं सकता क्या अपना मुंह? तो तू भी तो कब से मेरे कान में सांसें ले रही है, दूर हट मुझसे। फिर दूर होके कहाँ जाए कमबख्त? तेरे बाप ने कौन सा महल बना के दिया? 14 जनों को एक ही कमरे में भर रखा है, एक दूसरे से चिपक चिपक के लेटते हैं, सांसें भी लो तो एक दूसरे के अंदर घुसती हैं। अम्मा, इसे कह दो जब भी सांस ले मुझे बोल के सांस ले। चंदी पोटे सोने भी नहीं देते। तेरे होंगे चंदी पोटे, तुझसे कमी है चंदी पोटे। सिर्फ एक दाना ही तो कम है तेरा। दाने होंगे तेरे फल वाले की औलाद, इंसान के बच्चे। बस खबरदार, खबरदार, अगर अब एक लफ्ज भी बोला तो। बहुत सुन ली मैंने तेरी, समझी तू? अगर अब एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं तेरे पंक्चर लगाने वाले बाप को कुछ कह दूंगी। देख देख, मेरे अब्बा को कुछ कहा ना, तेरे सारे दाने तितर बितर कर दूंगी अभी। ओहो, दाने तितर बितर कर दूंगी, दम है तुझ में इतना, काट के रख दूंगी खरबूजे वाली छुरी से। अच्छा, आज तो मुझे काट के दिखा, काट के दिखा तू मुझे। नवाब, नौमी, नौमी उठ, बुला अपने अब्बा को। नवाब, नवाब। अब्बे को इस तरह बुलाते, तू सो जा, मैं खुद ही बुला लाती हूँ। आज तो फैसला होके रहेगा, घर में या तू रहेगी या मैं, समझ आई? नवाब, ए नवाब। बढ़िया, आज फैसला होके रहेगा, या तू रहेगी या मैं रहूंगी। बुला बुला, देखती हूँ मैं। ए बेगैरत, तू क्या सो रहा है? माँ जलील हो रही है, पड़ा सो रहा है कमबख्त। नवाब, नवाब। हमें क्या हो गया, कौन आ गया, हमें क्या हो गया, चोर और आ गया क्या? खुद तो यहाँ बड़े सुकून से सो रहा है, उस कमीने ने मेरा जीना हराम कर दिया। अबे अब क्या कर दिया उसने? वो कर क्या सकती है, ना वो खुद सोने देती है ना उसके बच्चे सोने देते। अबे ने एक बार तेरे को कितनी बार मैंने समझाया, मिलजुल के रहा करो यार, तुम दोनों ही तो मेरा कुंभा कुंभा। कुंभा, जब आमदनी नहीं थी तो बढ़ाया क्यों था कुंभा? एक कमरे में घुसेड़ रखा है सबको। अबे क्या अकेले बढ़ाया है? हैं, तेरी रजामंदी नहीं थी क्या? मेरी तो सिर्फ रजा थी, मंदी तो उसकी वजह से आई है, पूरे 7 जने बढ़ गए उसकी वजह से। अबे तो एक कमरे का मकान है, मिलजुल के तो गुजारा करना पड़ेगा ना क्या? आधी फैमिली को उठा के बाहर फेंक दूं मैं? और ये 14 साल पुरानी बात के ऊपर तेरे को काहे को रोना आ रहा है? 14? अबे हां, उर्दू में नहीं बोल सकता ना, लोग हंसते हैं मेरे पे। अबे यार, तू मेरे को एक अच्छा सा ठेका मिल जाने दे यार, उसके बाद एक ऐसा मकान लेके दूंगा जिसमें एक कमरे में तू रहेगी अपने बच्चों के साथ आराम से, एक में वो रहेगी अपने बच्चों के साथ। तू दो कमरों का मकान लेगा ना? अबे तू क्या झूठ बोल रहा हूँ तेरे से, एक अच्छा ठेका मिलने तो दे मुझे। अल्लाह करे तुझे बहुत जल्द बहुत बड़ा ठेका मिले, मेरी इस कमीनी से जान छूट जाए। अबे हाँ, छूट जाएगी छूट जाएगी, अब तू मेरी जान भी तो छोड़ना। क्या मतलब ये कि तू जाके सो आराम से, मेरे को भी सोने दे यार, हो जाएगा, काहे को परेशान होती है। खाओ मेरे बच्चों, खाओ ना, डट के खाओ, शाबाश। अम्मी कितनी फीकी हो रही है। मत खाओ, इतनी चीनी फट जाएगी किसी दिन। जीना हराम क्या हुआ है, मुझे ही बेच डालो तुम लोग। नहीं है घी, कहाँ से दूं पराठा? खाओ खाओ खाओ।
भाई कैसी खुशी मिल रही है खाता देख। वाह भाई वाह, बड़े पराठे चल रहे। आने दे नवाब को, पूछना पड़ेगा तुझे खर्चा देता कितना है जो ये अयाशियां करती है। तू क्यों जल रही है जल कुकड़ी, तेरे पास घी है तवा है, कड़कड़ा ले तू भी अपना तवा। रोका है किसी ने? मेरे डब्बे में तो घी खत्म हो गया, तूने ही चुराया होगा घी चोर, तभी तो इतनी बेदर्दी से बहाया है। मैं क्यों चुराने लगी तेरा घी है ये बता मुझे, और तू कहीं मरती भी है कि तू कहीं जाए और अगर भूली भटके कहीं चली भी जाए तो डब्बों पे अपने पहरेदार बिठा के जाती है। अच्छा तो यूं बोलना कि ताक में बैठी रहती है कि मैं निकलूं और मेरी चीजें चुरा ले तू। मुझे क्या जरूरत है कोई चीज चुराने की, मेरे पास हर चीज तुझसे ज्यादा होती है, मुझे कोई जरूरत नहीं तेरी चुरक चुरक चीजें चुराती फिरूं। हाँ यही तो पूछना है नवाब से कि तेरे पास मुझसे हर चीज ज्यादा होती कैसे है। सीधी सी बात है, सीधा हिसाब है, नग गिनले मेरे, मेरा खर्चा भी ज्यादा, मेरे बच्चे भी ज्यादा। तुझे तो मैं देख लूंगी है? देख लूंगी बड़ी आई, देख लूंगी। खा मेरे बच्चा खा, शाबाश। अम्मा चीनी डाल दो ना। चुप हो जा कमबख्त, ज़्याबत्तीस हो जाएगी। अच्छा अम्मा ये तो तुम्हारे बाद में आई थी लेकिन तुमसे आगे निकल गई। चुप, मुकाबले के चक्कर में कमरा ही छोटा पड़ गया। अम्मा पराठा दूंगी एक उल्टे हाथ की, नहीं है पराठा, जा जाके बुला के ला सबको, आज सिर्फ रोटी और चाय मिलेगी, कोई पराठा नहीं है, जा। अम्मा देखिए शानी इतनी देर से लैट्रिन में, अभी तक घुसा हुआ है, बाहर ही नहीं निकला, मुझे जाना है। देख नवाब अब तुझे नाश्ता दूं या उस हरामखोर को लैट्रिन से पकड़ के निकालूं मैं, हैं? अबे तू मेरे को नाश्ता दे, निकल आएगा सारी जिंदगी के लिए अंदर थोड़ी घुस के बैठा वो। निकल आएगा, कभी भी नहीं निकलेगा वो हरामखोर, फारिग हो गया होगा कब से सब जानू मैं, जानबूझ के बैठा होगा मेरे लाल को तंग करने के लिए, सब पता है मुझे। अम्मा निकल ले, अम्मा निकल ले। हे सुल्ताना निकाल उसे बाहर। अब बच्चा लैट्रीन भी ना जाए, पता तो है तुझे लैंतारी से नंबर आता है, फिर क्यों फुदक रही है? क्यों ना फुदकूं? है क्यों ना फुदकूं? और कैसे आएगा लैंतारी से नंबर तेरा, मुझे गेंडा अंदर घुसा बैठा, निकाल उसे पकड़ के बाहर, सो जाते कमबख्त मारे। अबे गेंडे होंगे तेरे, हर वक्त तो उनका मुंह चलता रहता है बैलों की तरह। अम्मा बर्दाश्त नहीं हो रहा, बताओ कहाँ करूँ, अब तो तुम बताओ कहाँ करूँ मैं। जा मेरे लाल, जाके कर दे इसके चूल्हे में। अच्छा अम्मा। मेरी तो चल कर, मैं भी आज तेज करूंगी, झुलसा दूंगी तुझे, चल कर। चल फिर निकाल अपने लाडले को बाहर, निकाल उसे बाहर। अभिशानी निकल बाहर वरना ये कमबख्त मेरा चूल्हा ही गंदा कर देगा, निकल। जा बेटा जा, अब निकल आएगा वो बाहर। एक घंटा लगाकर आए ना तू, दो घंटा लगाकर आई हो, शाबाश। पूरा पेट खाली करके आना, फिर तुझे डाल के दूंगी मैं गरम गरम पराठे। हाँ तू यहीं बैठा रह ना, जबान को ताला लगा के। जिस दिन तेरी नाश्ते की बारी होती है ना, जबान तालू से चिपक जाती है, पता नहीं पराठों में घी डालती है कि गोंद। मनहूस मारी। अबे क्या पागल हो गई है, किससे बात कर रही है तू? छोड़ ना, ये बता तू सिर्फ मेरा है ना? अबे तो क्या वाकई गोंद डालती है, चिपकी रहती है, इंसान बन जा। हूं ना तेरा, कह तो रहा हूँ, सबसे पहले तो किससे शादी की मैंने? उससे नहीं, मतलब दूसरी शादी किससे की मैंने, भूल गया था। प्यार है तो तेरे से किया ना, समझी के नहीं? ये बात सुनिए, तेरा कान साफ कर दिया तू, ये खा। चल खा लेता हूँ, कान तो साफ किया कर। अबे ये रबर का पता ना, पागल है क्यों? सोना हट जाना। भाई हट जाओ ना, मुझे झूलने दो, कल भी पूरा दिन तुम बैठी हुई थी, हट जाओ। हट जाओ, आज मेरी बारी है बैठने की, हट जाओ तुम यहाँ से। भाई जाओ ना, जाओ, मुझे तंग नहीं करो, झूलने दो मुझे। अम्मा सोनम को देखे कुर्सी पे बैठने नहीं दे रहा। निगार, ए निगार, क्या बात है, क्यों गला फाड़ रही है? ये तेरा बच्चा कुर्सी से चिपक गया। अरे तो क्या मेरा मासूम बच्चा ना बैठे, तेरे बच्चे ही चिपके रहे, मेरे बच्चे ना बैठे, उनकी बारी आए। अरे वाह, कल पूरा दिन तेरा राजू कुर्सी पे बैठा रहा, मर्दूद ने इसका पाया भी तोड़ दिया, इकलौती कुर्सी थी घर में वो भी उसने लंगड़ी कर दी।
अरे आग लगी तेरी जबान को, तुझे ही ना लंगड़ा कर दूं हैं? कैसे मेरे मासूम बच्चों पर ऐसे बड़े बड़े इल्जाम लगा रही है? हाँ ये तेरा मासूम है भी तो हाथी का आधा ना, कुर्सी टूटेगी नहीं तो और क्या होगा? अम्मा आंटी बोल रही है माँ। आग लगे तेरी जबान को, कीड़े पड़े उसमें हैं? कैसे मेरे मासूम बच्चों को हाथी का आधा बोल रही है? तेरे तो बड़े चूजे हैं ना। इधर आओ, इधर आ जा, तू इस पे चढ़ के बैठ जा, उसे ही कुर्सी पे बैठने दे, अल्लाह कर इसका दूसरा पाया भी टूटे और इसकी टांग भी टूटे। अम्मा मुझे कुर्सी पे बैठना है। जा जाके इसको धक्का दे और बैठ जा। देखो तो कैसी दग जैसी है, चोटी सी, जैसे मेरे मासूम बच्चे को गिरा दिया। आने दो तुम लोग नवाब को, बताऊंगी मैं उसे, बताऊंगी कैसे तूने मुस्तंडों की टीम बनाई है मेरे बच्चों के खिलाफ। देखना देखना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे लाल, आजा, छोड़ेंगे नहीं हम भी, एक एक बात का गिन गिन के बदला लेंगे। आजा मेरे चांद, आजा। हाय अल्लाह, मैं क्या क्या सोच के आई थी इस घर में। कैसे सुनहरे मेरे ख्वाब थे, नवाब तुझे अल्लाह पूछेगा। तूने क्या मेरा हाल कर दिया। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। आपके बच्चे कितने अच्छे दिन होते थे तुम्हारे मेरे, पूरे शहर में घूमते फिरते थे। नसीब तो मेरे फूट गए, शादी कर ली एक शादीशुदा आदमी से, वो भी मिस्त्री से। तो क्यों कर ली मिस्त्री से शादी, मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। हाय धोखा खा गई थी कमबख्त नवाब के नाम से, कहने लगा मैं राज हूं। मैं समझी कहीं का राजा वाजा होगा हैं? तो शादी के बाद पता चला कि राज मिस्त्री है। अच्छा तो तूने राजा समझ के शादी की थी और इसीलिए राजा की फौज भी तैयार कर ली। ए, तो तेरी बिटालियन कौन सी कम है, एक से बढ़ के एक प्यादे का इजाफा हो रहा है। देखने का मेरा दिमाग खराब ना कर, इस वक्त मैं बड़े अच्छे ख्वाब से बाहर आई हूँ, समझ आई? मैं लड़ना नहीं चाहती। देखो बीबी, ख्वाब से तो तुम अभी बाहर आई होगी लेकिन औकात से हर वक्त ही बाहर रहती हो। क्या तू मुझे मेरी औकात याद दिलाएगी? हाँ तुझे तेरी औकात याद दिलाऊं, तेरे होते सौदों की औकात याद दिलाऊं? अगर मैंने तुझे तेरी औकात याद दिला दी तो तुझे सर से लेकर पांव तक मिर्ची लग जाएगी, पूरे आंगन में फुदकती फिरेगी, समझ आई? दिलाऊं याद दिलाऊं, बोल क्यों क्यों, तेरी बैटरी डाउन हो गई क्या? बोल क्या, जिन चढ़ गया, पागल हो गई क्या? मैं बताती हूँ जिन चढ़ गया, क्या चढ़ गया बताऊं, बोल। फुल चार्ज चल रही तू तो है, मांग बात करूंगी तुझसे, चल चल दफा हो जा। मैं अच्छे ख्वाब से बाहर आई थी, दिमाग ही मेरा खराब कर दिया, मीटर डाउन कर दिया मेरा। हाँ, मुझे लेके साथ चल तू, हाथों में हाथ चल तू।
अम्मा ये कहाँ गई है? पता नहीं, जहन्नुम में जाए हमें क्या, जरूर बाजार गई होगी। हाँ और इसे आता ही क्या है, घूमना फिरना खाना पीना, इसे कमबख्त पैसे लाती कहाँ से? अम्मी अम्मी वहाँ लड़ाई हो रही है। हाय अल्लाह, कौन लड़ रहा है? दूर से पता नहीं चल रहा हमारे हैं या उनके। लाली जा देख जरा, कहीं उसके मोटे हमारे वाले किसी को मार तो नहीं रहे, जा देख। जा रही हूँ अम्मा। इस मनहूस निगार के बच्चे नुकसान न पहुंचा दे मेरे किसी बच्चे को, हैं भी तो मोटे दयूस। मैंने दोनों के मुंह पकड़ पकड़ के देख लिए, एक उनका एक हमारा, नोमी और राजा। लेकिन कौन किसको मारा ये देखा तूने? हाँ हाँ देख लिया, हमारा वाला उनको मारा है, क्या रुकवा दूँ? नहीं पिटने दे कमबख्तों को, कभी कभी तो हत्ते चढ़ते हैं। और जाके नोमी को बोल कि अच्छी तरह ढूंढ दे, और अगर निगार पूछे कि किसने मारा है तो सबके सब मुकर जाना, समझी? अम्मा लेकिन राजा तो बता देगा ना उन्हें। अरे राजा को तो मैं झुटला दूंगी, जा जाके अच्छी तरह धुलाई करवा उनकी। आ गए, इधर रुक। पहले तो मुझे ये बता, तू उसे पैसे कितने देता है? अबे किसे देता हूँ, मेरे पास पैसे होते कहाँ है, क्या बोल ले तू? हाँ नन्ना ना बन, निगार की बात कर रही हूँ। इधर तो 5 पूरे नहीं पड़ते और वहाँ 6 में बड़ी अयाशियाँ हो रही है, तड़के लगे हुए खाने बन रहे हैं और अभी भी कलेजी भुनने की खुशबू आ रही है। देखा हांडी चोर कैसे फौरन बाहर आ गई, 2 अकेले में बात नहीं करने देती मुझे तुझसे। तेरी बातें भी तो मेरी हांडी के बारे में थी, जल कुकड़ी। जलती है मेरी जूती, सड़के फेंके तेरी ये हांडी, अल्लाह करे नीला थोता गिरे इसमें। अगर नीला थोता गिर गया ना तो मैं तेरे बच्चों को ही खिला दूंगी, खुशी खुशी खा लेंगे सब। नदीदे तरसे बिलके, नदीदे होंगे तेरे तरसे बिलके, सारा दिन भरते रहते फटते नहीं है। अबे ओ पागलों की तरह क्यों लड़ जा रही तुम दोनों, हैं? अबे कमाता ही क्या हूँ, या तो छोटे मोटे ठेके करता हूँ या फिर दिहाड़ी लगाता हूँ, और उसे जो भी कमाता हूँ बराबर बांट देता हूँ तुम लोगों में, फिर भी लड़ती रहती हो। इनकी अयाशियों से तो नहीं लगता कि बराबर बांटते हो। अबे बराबर ही बांटता हूँ इंसाफ से, खानदानी आदमी हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता इन वादों पे। और वैसे भी खुशखबरी सुनाने आया था मैं तुम दोनों को, एक ठेका मिलने वाला है, अगर वो मिल गया तो अच्छे खासे पैसे हाथ में आ जाएंगे, रमजान रमजान में काम करना है और ईद पे पैसे मिल जाएंगे। अगर वो मिल गए तो एक घर लेके दे दूंगा तुम्हें अलग अलग कमरों में, फिर रहना अय्याशी से या लड़ती रहना जो दिल चाहे करना। ये तो अलग कमरे में भी चैन से नहीं बैठेगी, पूरा वक्त नाक दीवार से लगा के मेरी हांडी की खुशबू सूंघेगी ये, और तुम दीवार से कान लगा कर कनसुइयां लेगी जासूसनी। चुप कर जा तुम दोनों, अलग कमरे तो अलग होने दो, उसके बाद लड़ते रहना, लगाते रहना अपने नाक कान दीवार पे, और अगर फिर भी दिल ना भरे तो मेरा सर दीवार में देके मार देना। पागल है ना, दिमाग खराब कर रही है मेरा ये। और तेरी मैं, तू क्यों हट गई, तेरे हटने की वजह से लगी है, वरना तेरे से टकराता मैं। पागल है तो तेरी वजह से सर पूजा जा जा के कलेजी खा, मेरी कलेजी भी भून के खा जा तू, चल जा दफा हो जा, हट काले मुंह से, ठीक रे फूटे तेरी शक्ल पे। यही कलेजी खाने वाली निगार, अपने बच्चों को ना लैंतारी से लिटाया कर, बड़े उधर कर छोटे इधर कर, हिसाब किताब से लिटाया कर सबको। तू कौन होती है मेरे बच्चों की लेन सेट करने वाली, तू अपने बच्चों को उधर लिटा कर ले, उधर छोटे छोटे अपने। मेरे बच्चे ना हड़बोंगे नहीं है तेरे वालों की तरह, तेरे ये जो छोटे छोटे पहलवान बच्चे है ना, ये भी मेरे बड़े बच्चों पे भारी है। ऐसे ही होते हैं मर्द के बच्चे। अच्छा देख लूंगी तेरे मर्द के बच्चे को। सोने अबे गेंडे तो धर जा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने क्या किया है, मेरा हाथ तो गलती से लग गया था। अच्छा फिर तेरे हाथ भी ना गलती से तोड़ दूंगी मैं ऐसे टक करके। ए!
खबरदार जो मेरे बच्चे को धमकी दी तो। धमकी नहीं दे रही हूँ, आज तो तोड़ के ही रख दूंगी हाथ। हिम्मत है तुझमें? हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ। किसमें हिम्मत है जो मेरे बच्चे के हाथ तोड़े? अच्छा नौमी जी अम्मी, बाहर से सिलबट्टा तो ले आ। अच्छा अम्मी। ए लेटर है, चुप करके। कमबख्त मनहूस मारे, बड़े आए बट्टा लेकर आने वाले। आए कि मेरे बच्चे का मसाला पीसोगे तुम लोग? हाँ पीस ही दूंगी, संभाल के रख इन मोटे मोटे गेंडों को, वरना किसी दिन पीस ही दूंगी। क्या संभाल के रखूं, क्या अलमारी में रखूं? दो दो अलमारियां थी मेरे जहेज की, कमबख्त बेच के खा गया तेरा मियां। तेरा मियां नहीं है क्या? सिर्फ मेरा मियां होता तो ये अलमारियां थोड़ी बिकती। तेरी तेरी पलटन के चक्कर में बिकी है मेरी अलमारियां। तू और तेरी पलटन बाद में आए, समझी तू? मैं नहीं। और अलमारी की तुझे जरूरत ही क्या है? ये तेरी अम्मा का संदूक पड़ा है ना, सारे बच्चों को इसमें डाल के ना ताला डाल दे, ताला मैं तुझे ला के दूंगी। अपने बच्चों को संदूक में बंद करके ताला डालना, मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी है? ये तेरा गेंडा मेरी मासूम बच्ची को तंग क्यों कर रहा है? मासूमियत तो देखो बच्ची की, कैसी मासूम बच्ची है, मासूमियत टपक टपक कर बह रही है, पूरा कमरा मासूमियत से भर गया, पुरनूर हो गया। जैसी मासूम माँ वैसी बेटी। देख निगाह, बकवास ना कर, चुप करके सो जा वरना अभी बट्टे से तेरा मुंह कुचल दूंगी। बढ़िया है मेरा मुंह बट्टे से कुचलने वाली, तुझे सिल पर रखकर ना पीस दूंगी। अम्मी सिल गंदी हो जाएगी। देख तो हराम खोर को, माँ से भी दो हाथ आ गए। ठहर जा बच्चू, अभी बट्टे से ना तेरा मुंह भी कुचल दूंगी। अबे क्या हो गया, आधी रात को बट्टे क्यों चल रहे? ये होना क्या है, ये सिल जो तूने मेरे सीने पे रखी है जब तक हटेगी नहीं ये बट्टे चलते रहेंगे। चल 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 चल, बढ़िया बट्टे चलाने जा, निकल हट जा ना, लगा लगा कर। चल हट उधर उधर। भाई अम्मा तुम उन लोगों को घर से बाहर निकाल दो, हम लोग अकेले कमरे में सोया करेंगे। कहा तो तेरे बाप ने यही था, वादा किया था मुझसे तो एक बार शादी के लिए हाँ करते, मैं सुल्ताना को और उसके बच्चों को घर से निकाल दूंगा। हाय अल्लाह क्या खूबसूरत दौर था, मैं फुल कलोपत्रा स्टाइल में तांगे पे जाया करती थी, तेरा बाप पीछे 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 पीछे। हेलो 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 जी सनम, हम आ गए। हेलो 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 जी सनम, हम आ गए। आज फिर दिल लेके अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जानी, ये खोया खोया मौसम पवन दीवानी हो कहीं उड़ा ले ना यारा तुझे दिल दारा तुझे। हेलो 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 जी सनम, हम आ गए आज फिर दिल लेके। वक्त तेरे बच्चे आए, उन्होंने तो जुलूस बना दिया, तीसरे मोहल्ले से नारा लगाते हुए आ रहे। नानी आ गई मैदान में है जमा लो, नानी आ गई मैदान में है जमा। आए अम्मा चलो अंदर चलो, आराम से कुर्सी पे बिठाती हूँ तुम्हें। अच्छा तू चल मैं आ रही हूँ। अरे नानी आ गई। अरे कम वक्त फिर ना आ जाए, बड़े शैतान बच्चे हैं तो बस। चल इस बुढ़िया की ही कमी थी। ए, उठ यहाँ से, मेरी अम्मा बैठेंगी यहाँ पे। क्यों ये क्यों बैठेगी, आज मेरी बारी है। बदतमीज, अपनी नानी के बारे में भी ऐसे ही बात करता है क्या? वो मेरी नानी थोड़ी है। नौमी उठ जा,
बैठने दो उस लंगड़ी को, लंगड़ी कुर्सी पर। अम्मा आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आए, 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 कुर्सी है कि डोला? अम्मा छोड़ो ना, ये बता अब आई हो ना तो बस मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, रुक के जाना 10-15 दिन। और क्या, अरे इतनी दूर से आई हूँ कि फौरन चली जाऊंगी, कम से कम 15-20 दिन रहूंगी। खबर भी यहीं खुदवा दो कमरे में। क्या कह रही है तू? अम्मा मुझे ये बताओ अब्बा कैसे हैं? अरे वो ठीक है, जाना जल्दी से अच्छी चाय बना के ले आ जा, बड़ा दिल चाह रहा है। हाँ चाय भी पियोगी तुम? और नहीं तो क्या, जा उठ। फरमाइशें बड़ी करती हो। चल आ जा तू। क्या कर रही है तू इन लोगों के साथ? जुए निकाल रही हूँ बच्चों की। इतनी पड़ गई जुए तो वाह, मैं तो कभी ना सो इधर। दबा जोर से, हाथों में जान नहीं है क्या? हाँ हाँ कर रही है, खाती इतना है पता नहीं कहाँ जा रही है ताकत। लगा जोर। निकाल यार एक बात करनी इधर से। हाँ हाँ कर, मैं सुन रही हूँ। अरे अम्मा तुमसे नहीं करनी, तुम्हारी बेटी से करनी है निगार से। अरे तो उसी से कर ले। तुम्हारे सामने कैसे कर सकता हूँ, तुम जरा चले जाओ ना बाहर को। है ऐसी कौन सी बातें मुई जो मेरे सामने नहीं हो सकती? अबे अम्मा एक बात बताओ तुम मेरे को, जब अब्बा को तुमसे को बात करनी होती थी तुम्हारी अम्मा के सामने करते थे क्या? कैसी बातें कर रहा है? अरे वो क्यों करने लगे ऐसी बेशर्मी की बातें सबके सामने? हेलो है अम्मा, कोई प्यार मोहब्बत की बात करनी होगी वो भी तुम्हारे सामने कर ले क्या? अरे तो मैं कब मना कर रही हूँ, करो प्यार मोहब्बत की बातें। अरे अम्मा तुम तो सठिया हो गई हो, चली जाओ ना दो घड़ी के लिए। अरे गजब खुदा का कैसा जमाना आ गया, मेरी बेटी मुझे निकाल रही है, मैं कौन सा कान लगा के तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ, और एक आध बात अगर मेरे कान में पड़ भी गई तो बुराई क्या है? अरे बुराई का क्या मतलब है, पत्थर बन के बैठे रहो यहाँ पे, चक्की बन के बैठना, हिलना नहीं यहाँ से। चल भाई चल, तू बारह तरह से बार बात करता। हाँ राजा समझती हूँ कोई बात, तू बड़ी समझ रही है, जा मेरी चलती, बड़ी गर्मी हो रही है। अरे चलो छोड़ो रहने दो, बोलेंगे वहां पर भी आ गई कम्बा। अबे अच्छा हुआ तू बाहर ले आई मेरे को। अन्ना ना सुल्ताना बीजे मानो हमारी बातें सुन लेती। अबे हाँ खैर छोड़ उसको, सुन मेरे को ना लाहौर में एक बहुत बड़ा ठेका मिल गया है, मतलब बहुत बड़ा ठेका है, 4 मंजिला इमारत बनानी है मेरे को, और उसमें पैसे बड़े ठीक ठाक बन जाएंगे, ये भी मुमकिन है मैं तेरे को घर बना के दूँ 2 कमरों का अलग, समझ रही तू मेरी बात? अब गौर से सुन, लेकिन उससे पहले मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए जाने के लिए और काम शुरू करने के लिए। ऐसे ना कर दूँ, ऐसे कर तो काम कैसे होगा? अल्लाह नवाब देख सच बता, तो मेरी बालियाँ झुमके बनवा तो देगा ना वापस, धोखा तो नहीं देगा? अब 2 बनवा के दूंगा 2। सच्ची? हाँ 2 कमरों का मकान किसको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कसम से इसी को तेरी जिंदगी की हसीन तरीन ईद बना दूंगा मेहमान से। हाँ ये तो ठीक है, मगर सुन नवाब सुल्ताना से बड़ा घर लूंगी मैं, कह दिया मैंने। अबे तू फिक्र क्यों कर रही है, अभी जो वो देगी ना अपने गहने वो तेरी बालियों और झुमकों से ज्यादा महंगे, लेकिन फिर भी हमारे दिल की रानी तो तुम ही हो, हैं बड़ा घर दूंगा उसको तो चूजे जैसा दूंगा। मगर ये बता तू किसके साथ रहेगा? देख ये बात तो मेरे दिल से पूछ, उसमें से सिर्फ तेरी आवाज आएगी, लेकिन रहना तो उसके साथ भी पड़ेगा ना, ऐसा करूंगा कि 1 हफ्ते में से 10 दिन तेरे साथ, 7 दिन उसके साथ। ये सही है ना? हाँ चल जा, इसी बात पे जल्दी से झुमके और बालियां लेके जा, जा जा। अभी? अबे अभी नहीं तो फिर कभी, सुबह तो जाना है मैंने लाहौर। सुबह ले लियो ना। अबे अच्छा ठीक है फिर सुबह देना, याद रखियो मेरे को समझी, तू भूल नहीं जाना मेरा चक्कर खराब हो जाएगा मेरा, समझी? मैं जा रहा हूँ, मेरे को फोन करना है। किधर को जा रही है? अबे ओ शक्ति औरत बावली, लौट जा रहा हूँ तो लौट करूंगा ना फोन। तो डांटता बहुत है तू। डांट क्यों रहा है, उल्टी सीधी बातें करा रहा हूँ। दो ना दो, आई देखती
कुदरत के इशारे तो मना के आ रहे हैं, क्या करूं? नहीं देती, यही देती हूँ। क्या कर रही है? मुझे भी डरा दिया तूने। इधर आ, इधर आ, मैं कह रहा हूँ। ये उसके किचन में तू घुस के क्या कर रही है? काम बता जल्दी। काम वाम नहीं है, तेरे को खुशखबरी सुनानी है मैंने। क्या? जल्दी बोल। ऐसे जल्दी बोल, बकवास करा रहा हूँ। तुझे कहाँ है ये? अंदर बैठी है माँ के कलेजे में। वैसे एक बात बता, ये बुढ़िया सास तेरी अंधी है क्या? आ जाती है यहाँ रहने के लिए? घर से बोलने से लेके गली में सो कमरे में जगह ही नहीं है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे मैं तुझसे कुछ और बात करने आया हूँ, तू निगार निगार शुरू कर दिया। एक तो उसके किचन में घुसी हुई थी तू। इधर आ, तेरे को खुशखबरी सुनाओ। इधर आ, इधर आ, इधर खड़ी हो। हाँ, अब सुन खुशखबरी। जल्दी बोलना। जल्दी क्या बोल? और मैं 4 मंजिला इमारत बनाने का ठेका मिल गया मेरे को। सच्ची? अबे तो क्या झूठ बोलूंगा तेरे से? पूरे रमजान वहाँ पे मेरे को काम करना पड़ेगा नॉन स्टॉप, समझ गई तू? और ईद की छुट्टियों में मैं सोच रहा हूँ जब मैं वापस आऊँ ना तो मैं तेरे को तेरा अलग मकान बनाऊंगा, और वो भी 2 कमरों का। अलग से मकान सिर्फ मेरा? अबे हाँ, यकीन भी कर ले। लेकिन एक मसला है, देख लाहौर जाने के लिए और ये सब काम करने के लिए मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी। मगर क्यों? मुझे तो वहाँ बहुत पैसे मिलेंगे ना काम के। अबे तो वो तो काम करने के बाद मिलेंगे ना, अकल की कोड़ी। जाने के लिए तो पैसे चाहिए। क्या होगा, पैसे तो नहीं है हमारे पास। कितने पैसों की जरूरत है? देख आना जाना मिला के और महीना एक वहां गुजारने का 15-20 हजार रुपए तो लगेगा। 15-20 हजार? अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे? अबे होना क्या है, बात सुन। वो जो तेरे सोने के गहने हैं ना, वो अगर तू मुझे दे दे तो। अबे ये उधर काय को होके बैठी तू? हैं? मैं आऊं तेरा? मैं इधर आओ, इधर आओ। गहने मांगे तुझे तलाक नहीं दी? इतनी दूर हो गई, करीब हो मेरे, पागल नहीं तो। अबे देख बात सुन, तेरे को 2 बना के दूंगा, वैसे 2। लेकिन मेरे गहनों से ना 15-20 हजार नहीं आएंगे। अबे पता है, उससे भी तो ले रहा हूँ, उसके झुमके और बालियां, आखिर उसको भी तो घर बना के दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर एक शर्त है। अब निगार को तू 1 कमरे का मकान बना के देगा। अबे मेरा बच्चा ले, 1 कमरे का भी ना दूं, बड़ा घर तो तुझे दूंगा। पहली शादी मैंने किससे की? मुझसे। तो तेरे से ज्यादा प्यार है ना, वरना तेरे से दूसरी करता, उससे पहली करता, है ना? चल जा शाबाश, ले क्या, ले क्या गहने? सुबह दे दूंगी ना। अबे तू भी सुबह? वो मनोज की माँ जो आई हुई है, लगता है पूरी रात खड़े होकर सोना पड़ेगा। अच्छा देख, सुबह दे दीजो, सुबह ही तो मेरे को निकलना है। ऐसा नहीं होगा वो रह जाए, फिर मेरा काम नहीं होगा। है अच्छा, आज ना सब फैल फैल कर सोना, पेट फुला कर सोना। वो क्यों अम्मा? इसलिए ताकि मेरी अम्मा ना लेट पाए। याद रखो तुम सब, अगर कोई भी पेट फुला कर सोया तुम में से, तो मैं छुरी से उसका पेट पिचका दूंगी। ए चलो जरा चिपक चिपक के लेटो, जगह बनानी है राजा के लिए। उधर हो, चिपको चिपको चिपको। अब इससे ज्यादा क्या चिपके, एक दूसरे की खाल में घुस जाए क्या? तू चुप रहे, मैंने तुझसे बात नहीं की, मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ, समझी तू? चिपकना तो हमें पड़ेगा, बीच में दीवार तो है नहीं, क्या सिर्फ तुम लोग चिपकोगे? हे राजा, इसकी बकवास की तरफ ध्यान ना दे। देख मैंने तेरे लिए बीच में जगह बनाई है, सांस रोक के घुस जा अल्लाह का नाम लेके। चल साइड पे हो ना। ठीक है अम्मा, लेटने के बाद तो सांस ले लूंगा ना। ना ही ले तो अच्छा है। तू चुप कर, चुप कर जा तू, समझी? इतना ही अगर कोई परेशानी है तो अपने बच्चों का गला दबा के उनकी सांस रोक देना, सारा मसला ही हल हो जाएगा। मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी है? अम्मा तेरी आई है, फैसला भी तू ही कर ले, अम्मा पाल ले या बच्चे। बस बकवास बंद कर अपनी, चल राजा कोशिश कर, आजा आजा आ। वैसे ठीक कह रही हूँ, पूरा दिन तो माँ के कलेजे में घुसी रही, रात को अपने कलेजे में माँ को घुसा ले। अगर तेरी अम्मा आती तो ऐसे ही चलती तेरी जबान। मेरी अम्मा नहीं सठियाई, वो ऐसे घर में नहीं रहने आती जहाँ तिल धरने की जगह ना हो। अरे क्या मैं सठिया गई हूँ? अरे निको तू देख रही है कैसे मुंह भर भर के मुझे बोले जा रही है? अरे अम्मा
तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम आराम से लेटो, बकने दो इसे। बस एक महीने की बात है, एक महीने की, फिर मेरी जान छूट जाएगी इस कमीनी से। नवाब मुझे सीट पर अलहदा घर लेकर देगा, फिर मैं आराम से रहूंगी वहां। वो तो जब देगा तब देगा, फिलहाल तो कलेजे पे ही सुला ले। चलो सब अपनी अपनी सांस खींचो, अब मैं एक दो तीन कहूंगी, मेरे तीन कहने पर सब लंबी सांस खींच लेना यू करके, ठीक है? और राजा तू सांस रोक के फौरन बीच में लेट जाना, सही है? चलो एक दो तीन। एक बात और, अगर किसी को करवट लेनी होगी तो वो पहले आवाज लगा के बताएगा कि मैं करवट ले रहा हूं, किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा फिर दूसरा करवट ले पाएगा, समझे? अम्मा अम्मा वो क्या पूरी रात खड़ा रहेगा? चुप कर, जाहिर बात है उसके करवट लेने के बाद वो वापस लेट जाएगा। खामोशी से सो जा, आवाज तो निकल ही कब रही है, चुप करके ही सोना पड़ेगा। ए, लाइट बंद कर। तू कर। कर देना। अरे तू बंद कर। अच्छा भाई मैं ही कर देता हूँ। अरे अम्मा आग लगे इन गैस वालों को, देखना जरा कैसे दिए की तरह जल रहा है। अबे सलालेकुम। अरे आ जाओ नवाब, बड़े का कीमा बनाए इंतहाई लजीज, पराठे डाल देती हूँ। ए खबरदार, इधर आके बैठ, आज मेरी बारी है नाश्ते की। भाई तो बारी से क्या होता है बहन, एक माँ के लिए जा रहे हैं बाहर मियाँ, नाश्ता तो मेरे साथ ही करेगा बस। ए नवाब चल आ जा बैठ इधर, आज तेरे लिए मैंने खास तौर पर आलू का भरता बनाया, बैठ इधर। अम्मा मियाँ एक माँ के लिए बाहर जा रहे और इन्होंने क्या बनाया, आलू का भरता। ला दिखा। अरे तुम कहाँ चली, क्या देखने जा रही हो, बैठो यहाँ पे। आलू का भरता? अरे बैठो चुप करके यहीं पे। ए नवाब तू भी यहाँ, मैंने कीमा बनाया तेरे लिए बस। ठुसा दो रही है तू अपनी अम्मा को कीमा, और ठुसा। अरे मैं क्यों ठुसाऊं अपनी अम्मा को कीमा, मेरी अम्मा कहीं बाहर नहीं जा रही। बाहर जाए ना जाए, अंदर जरूर जाएंगी तेरी अम्मा, किसी ना किसी के कत्ल के इल्जाम में, अगर दो चार दिन और यहाँ रुक गई तो। अरे निगो अरे देख तो सही, जो मुंह में आ रहा बोले जा रही है, बोले जा रही है। अरे मेरा प्रेशर बड़ा हाई हो रहा है। मेरी अम्मा ने क्या कर दिया तुम्हारा, हैं काले मुंह की क्यों बदफाले निकाल रही हो, हैं कलेजा भून दिया तुम्हारा क्या? बकवास नहीं कर रही हूँ, जिस तरह हम लोग सांस रोक के सोए ना कल, हमें पता है अगर मुकम्मल तौर पे किसी की सांस रुक गई ना तेरी माँ को अंदर करा दूंगी मैं। हाँ चुप, खबरदार चल 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 चल। अबे चुप, मेरा मतलब है थोड़ा आराम से बात कर लो, हैं बहन नहीं हो एक दूसरे की, समझा करो ना बात को यार, क्या कुछ और करिए, महल्ले में थोड़ी सी इज्जत रहेगी उसको भी दाव पे लगाओगे तुम लोग पागल। नहीं तो देखो एक मसला तो तुम्हारा सोने का मैं हल किए देता हूँ, मैं जा रहा हूँ एक महीने के लिए लाहौर, तेरी अम्मा बाहर सोएंगी चारपाई के ऊपर, ये लंबी लेट के सीधी उठने उठने की मर्जी। अबे हाँ ना चुप कर। दूसरा ये के नाश्ते की बात है, नाश्ते का मतलब ये हल किया देता हूँ, बारी किसकी है? मेरी बारी है मेरी। देख इसकी बारी है ना, इसके साथ नाश्ता करने दे मेरे को, हैं तू मेरे को बांध के दे दे रास्ते में खाऊंगा। ठेंगा ठेंगा दूंगी मैं तुझे, बनवा के ले जाएगा उसी के हाथ से आलू का भरता। ना चल आ जा आ जा आ जा चल आ जा आ जा। अबे रुक ना, सब्र करना, तेरे को समझ नहीं आ रही बात, मना रहा हूँ ना उसका चुप। अबे देख गुस्से में तो तू बहुत प्यारी हसीन लगती है, हसीन मेरा नवाब, समझ नहीं आ रही चुप। अबे क्या बात है, नाराज क्यों होती है तू, दोपहर को खाऊंगा ना तेरे हाथ का बना हुआ खाना। मगर मैं तो नहीं हूंगी ना, तू यहाँ इसके हाथ का नाश्ता कर रहा है, खाऊंगा ना तेरे हाथ का बना हुआ खाना है, उसके बाद चलाना अपना अपना हुक्म, अपने अपने दो कमरों के मकान में महलों में है कि नहीं। देख कैसी मुस्कुराहट आई इसके चेहरे पे, है कट्टर मुस्कुराहट आई ना, तू भी कट्टो है, तू काय को गुस्सा कर रही, और इस सीट पे लाऊंगा ना बहुत सारी खुशियां दोनों के लिए। अबे कसम कह रहा हूँ तेरे लिए भी, मार क्यों रही है पागल है क्या? चल आजा खाना खा।
अबे ये आलू का भुर्ता है क्या? आलू का सालन इतना पतला खाऊं? चल प्लेट दे, चल प्लेट दूं। तेरे को प्लेट है ना, सजा के तूने ये रखी हुई है। अम्मा पैसे दो ना, बाहर छोले वाला है। भाग यहाँ से, नहीं है पैसे। कहाँ से लाऊं पैसे तुम लोगों के आशी के लिए? भाग। अम्मा अम्मा मुझे भी छोले खाने। हाँ मेरे बच्चे को छोले खाने, मैं खिलाऊंगी छोले अपने लाल को। बहुत पैसे हैं मेरे पास, मैं कोई कंगली थोड़ी हूँ। रानी जी। अम्मा जा जाके पैसे ले अंदर से, मेरे बच्चे को छोले खाने हैं। पता है ना तुझे कहाँ रखे? जी अम्मा। दा आहिस्ता बोल कम्बा, पता भी है चोर डाकू लुटेरे सब सामने बैठे हैं। पता चल गया तो मिनट में डाका पड़ जाएगा। जा जाकर खामोशी से निकाल के ले आ। शाबाश मेरे बच्चों, कुछ भी खाने का दिल चाहे तो मुझे बता दिया करो, बिल्कुल अपना दिल मारने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, कुछ भी मेरे बच्चों से बढ़कर थोड़ी है। और मेरे पास बहुत पैसे हैं, कंजूस नहीं हूं मैं। एक ही माह की बात है, उसके बाद तो तुम्हारा बाप हमें अलहदा घर दिला देगा, वहां कोई नहीं होगा तुम्हारे खाने को नियत लगाने वाला। खाना खूब खाना और हैजा भी करना। एक अम्बखत हैजा हो तेरे नदीदों को। नदीदों को हैजा नहीं होता, हैजा होता है ज्यादा ठूसने वालों को। तू जल जल, जितना दिल चाहे जल, जल जल के भस्म हो जा तू। मैं तो खिलाऊंगी, खूब खिलाऊंगी, बता बता के खिलाऊंगी, दिखा दिखा के खिलाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के खिलाऊंगी, समझी? पूरे शहर को बता के खिलाऊंगी, मस्जिद में ऐलान करवा के खिलाऊंगी। अम्मा तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होते? होते हैं, बचा के रखती हूँ, एक दिन तुम लोगों के ही काम आएंगे। अम्मा लेकिन वो तो बचा के नहीं रखती। फजूल खर्चे, सिर्फ बहाती रहती है पैसे को, एक दिन पछताएगी। अम्मा लेकिन उन्हें तरसना तो नहीं पड़ता ना किसी चीज के लिए, हमें तो छोटी छोटी बातों पे इतना दिल मारना पड़ता है। ये गुड़िया, ये जान, अब नहीं मारना पड़ेगा दिल। मुझे ये बता, मुझे पता है वो पैसे कहाँ रखती है? हाँ दाल के डब्बे में। दाल के डब्बे में? हाँ दाल के डब्बे में। अब तो देख मैं करती क्या हूँ, उसने मुझे डाकू लुटेरा बोला था ना, अब देखती हूँ कि ये डाकू लुटेरन करती क्या है। तुम क्या करोगी अम्मा? रात को उसके पैसे चुराऊंगी और फिर देखूंगी कि मेरे सामने वो इतराती कैसे है। अम्मा तुम पैसे चुराओगी? मगर मैं तो, चोरों के घर में चोरी करना कोई बुरी बात नहीं होती। रात को उसके पैसे चुराऊंगी और कल उसकी आंखों के सामने सबको याशी कराऊंगी। चला जा, मैं तेरी चोटी करती हूँ। अबे तेल नहीं लगाना। अच्छा ना, तेल नहीं लगाऊंगी, तेल नहीं लगाऊंगी। तूने तो मुझे हलाई दिया। अरे अम्मा क्या यहाँ बैठी कर रही हो? है बाहर आ जाओ ना, अकेली बैठी हो। अरे क्या बाहर आके बच्चों के साथ लगड़ी पाला खेलती? मैं तो तेरे फायदे के लिए यहाँ बैठी थी। मेरे फायदे के लिए? मेरा क्या फायदा अम्मा? अरे दुश्मनों से उनके मंसूबे सुन रही थी। अम्मा कौन दुश्मन, कैसे मंसूबे? अरे सुल्ताना और उसकी बेटी, और कौन हो सकता है तेरा दुश्मन? अरे दो घंटे से बैठे तेरे खिलाफ बातें कर रही थी, अभी उठ कर गई है। अरे वाह अम्मा,
कमाल कर दिया तुमने। बताओ ना, बताओ क्या बात, क्या बातें कर रही थी वो, क्या सुना तुमने? हाय हाय, यही तो नहीं सुन सकी। अरे कमबख्त मारी, बहुत आहिस्ते आहिस्ते बोल रही थी। क्या तुम कुछ नहीं सुन सकी? तो फिर ये बताओ, तुम्हें कैसे पता वो मेरे खिलाफ बातें कर रही थी? अरे बातें तो तेरे खिलाफ ही कर रही थी, अरे और क्या बातें कर सकती वो। हटो अम्मा, तुम भी बिल्कुल ना अंदाजों भी चल लियो। अगर तेरे खिलाफ बातें नहीं कर रही थी तो उन्हें खुसुर खुसुर करने की क्या जरूरत थी? अरे घंटे भर से खुसुर खुसुर किए जा रही थी वो। अम्मा काश तुम कुछ सुन ही लेती। अरे कैसे सुन लेती, मक्खी की तरह बिन बिना रही थी, ऐसे कर रही थी। अम्मा तो फिर फायदा क्या हुआ तुम्हारे यहाँ बैठी रहने का? घंटे भर से बैठी हो, ऊपर से एहसान जता रही हो तुम्हारे फायदे के लिए बैठी थी। मैं बैठी तो तेरे लिए थी, अब इन बूढ़े कानों से नहीं सुना गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? अरे भैया नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अरे अरे हमने अपने कान खींच खींच के लाल कर लिए और ये बेगम सारा हमारा एहसान ही नहीं मान रही। अरे हटो। वाह अम्मा, कुर्बान जाओ मैं तुम्हारा मेरा फायदा सोचने पे। मेरा दूध और ये मोटी बिल्ली ले गई, खाने भी नहीं दे रही, क्या देखूं? कुछ और है क्या? नहीं कंगले फकीर। क्या मुक्कों से खेल रहे हैं? जा जाके महल्ले के नल पे नहा। अंदर की गंदगी है, नहाने से तो नहीं जाएगी। उसी बाप की औलाद है बीवी जिसकी तुम्हारी है, समझी? ये बाप की नहीं है, गंदगी तो माँ की तरफ से आई है। ए, मेरी माँ को कुछ मत बोलना। हेलो फंगे आपे मेरे, क्या कर लेगा तू? शाबाश मेरे शेर, ऐसे ही माँ की हिफाजत किया कर। ऐसे होते हैं जीदार बच्चे। मेरे बच्चों के होते हुए ना कोई मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आंख नहीं चप्पल उठा के देखूंगी, तेरी तरफ भी, तेरे लफंगों की तरफ भी। ए, मेरी माँ की तरफ चप्पल नहीं उठाना वरना अच्छा नहीं होगा। हाथ नीचे कर गेंडे, क्या कर लेगा तू? हसब खुदा का, उम्रे देखो, लच्छन देखो, खा खा कर दयूस बनते जा रहे, मुझे आगे दिखाओगे? तुझे क्या तकलीफ है मेरे बच्चों के खाने पीने से? हैं यही बात तो समझ नहीं आ रही कि इतने पैसे तू लाती कहाँ से? छे छे मुस्टंडे सबको एक साथ ठुसा रही होती है। छे छे नहीं, अगर इससे ज्यादा भी होते तो मैं ऐसे ही खिलाती अपने बच्चों को। ये ज्यादा बच्चों का शौक ना अपने अलग घर में जाके पूरा कर। बेचारे मियाँ की चारपाई पहले ही बाहर निकल गई, कमबख्त तेज गांव रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये ले मेरे लाल, पूरे 10 रुपए। कैसी चमक आ रही है ना आंखों में, ले शाबाश, पूरे 10 रुपए की कुल्फी खाना जा। हाँ, शेर के बच्चे, अब हो गया ना टक्कर का मुकाबला।
यहाँ तो लाशें पड़ी हुई हैं। मेरा दिल में लग रहा किसी कब्रिस्तान में तो नहीं आ गया। कमाल अभी तक न्यूज़ ऑन वाले नहीं पहुंचे यहाँ। हाँ सर, कुछ देखेगा तो नहीं। अभी मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, कब्रिस्तान में तो कब्रें होती हैं, लाशें थोड़ी होती हैं। मुझे लग रहा है किसी ने इन सबको कत्ल करके नहीं फेंक दिया। चलो अच्छा है, भी गया है। मुर्दों के घर में चोरी, न जागने का डर न कोई शोर शराबा, मराएगा। अपने आपको खामोश। कौन हो तुम? शाहरुख खान हूँ। अबे चोर हूँ, दिख रहा नहीं चोरी करने आया हूँ? क्या चाहिए भाई? इस घर में तो कुछ भी नहीं है चुराने का। चोर भाई, भागो मत। मुझे बताओ सारी कीमती चीजें कहाँ हैं, जल्दी से दो। कीमती चीज तो बाहर चार पर भी सो रही थी, वो दिखाई नहीं दी। क्या मतलब? बकवास करी। तुम्हें घर की हालत नहीं दिख रही चोर भाई, खस्ता हाल दीवानी, कुछ नहीं है यहाँ कसम से। पहले मुझे ये बता के बाहर चारपाई पे कौन सी गिनती चीज है। बकवास करी। इसकी बात मत सुनना। बाहर मेरी अम्मा लेटी है और कुछ नहीं इस घर में कीमती चीज। समझ में नहीं आ रहा, अम्मा तेरी है, कीमती इसको लग रही है, ढेर है भाई। मैं जल्दी बता पैसे कहाँ हैं? दाल के डब्बे में। कहाँ रखे हैं? दाल के डब्बे में। मैं दाल का डब्बा कहाँ है? ओ बासुन है, आइंदा ना तरीके से सोया करो, ये फर्क पर सोया। और आइंदा ओ पैसे जो है ना दाल के डब्बे में रखने, फिर आऊंगा मैं। पैसे दाल के डब्बे में डाल के रखना, फिर आऊंगा। छोड़ो। अम्मा कहाँ चली? अम्मा बुर्का क्यों पहनी? किधर की सवारी है, कहाँ जा रही हूँ? मैं नहीं रुक सकती। नहीं। क्या हो गया, कहाँ जा रही हूँ? मुझे बताओ। अरे भैया मैं अपने घर ही भैया। अम्मा क्या हो, क्या गया, मुझे बताओ तो, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अम्मा किसी ने कुछ कह दिया क्या? क्या कहेगा, सुल्ताना के मुँह से तो भूल चढ़ते है ना। अम्मा मुझे बताओ, उसने तुम्हें कुछ किया? नहीं नहीं, अभी तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस नाक में धमकी रखती है। और वैसे भी भैया तेरे घर तो चोर आने लगे। अरे अम्मा चोर से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, चोर से मुझे कुछ नहीं लेना, मगर चोर ने मुझसे जरूर कुछ लेना है। अरे अम्मा क्या मतलब है तुम्हारा भाई? रात वाला चोर तो ऐसा सीधा था, तो शरीफ था, मासूम था, चुपचाप आया चुपचाप चला गया। बड़ा शरीफ था, चुपचाप आया चुपचाप चला गया, और जाते जाते मुझे धमकी देकर गया है। अम्मा क्या कहेंगे, क्या धमकी देंगे? अम्मा मना रहा, मेरा दिल हो गया है। कम्बक मारा यहाँ से गुजर रहा था, मुझे देखकर रुक गया, मेरे मुंह से चादर हटाई और मुझे देखकर कहने लगा, फर्श पर तो तुझे सोना चाहिए था, लाश तो तू लग रही है। तुमने क्या किया? फिर क्या था, खौफ के मारे मेरा मुंह खुल गया। हाँ कम्बक मारे ने मेरे सोने के दांत देख लिए। दिखाओ कहीं निकाल दो। अरे वो कहकर गया, अरे है आज तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, खंजर लेकर आया था, अब की दफा आऊंगा तो पिलास लेकर आऊंगा, तेरे दांत निकालूंगा। अरे भैया मैं तो चली। अरे अम्मा क्या हो गया? अम्मा घबरा क्यों रही हो, क्या हो गया? नहीं नहीं, वो पिलास लेकर आकर मेरे दांत निकाल लेगा, मैं चली। अम्मा रुको ना, मेरे पास है तुम्हारे मसले का, सुनी नहीं बात तेरी। देखो तुम्हारे दो दांत है सोने के हैं, और दो में लगा हुआ एक कीड़ा। अब हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारे कीड़े वाले दांतों पे सोने का पानी फेर देते हैं, चोर आएगा गलती से पिलास से सोने की जगह कीड़े वाला दांत निकाल के ले जाएगा। कैसा है, तुम्हारे डॉक्टर के पैसे ही बच जाएंगे। दफा हो इधर से, यही डॉक्टर के पैसे बच जाएंगे। अभी तेरा बाप जिंदा है, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ जो चोरों से अपने दांत निकलवाती रहूं। चल मैं तो चली भैया। नहीं भैया नहीं, हूं ना अबे, नहीं मैं नहीं रुकने वाली भाई। हेलो, मैंने क्या किया, ऐसी नाराज हो गई? ऐसा थोड़ी होता है, मशवरे भी दो ऊपर से। अम्मा अम्मा पैसे दो, कुल्फी वाला आया है। रमजान शरीफ में काहे बात का कुल्फी वाला भाई? वो बच्चों के लिए आता है अम्मा, तुम्हारे लिए थोड़ी आता है, अब पैसे दो ना।
हाँ हाँ मेरे लाल, अभी देती हूँ तुझे कुल्फी के पैसे। शाबाश। सुल्ताना, कहाँ है मेरे पैसे? मुझे क्या पता, मेरे पास रख पाए थे क्या? तो फिर जरूर तेरे उचक्कों ने चुराए होंगे। उचक्के होंगे तेरे? ज्यादा बकवास की ना तो पिला से तेरी जबान खींच लूंगी। ओए अल्लाह, मैं लट गई, बर्बाद हो गई। हाय किस कमबख्त ने चुराए मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे, मेरे पैसे। रात को जो चोर आया था ना, वही ले गया होगा। वो तो दाल का डब्बा खोल भी नहीं पाया था, उससे पहले ही भाग गया था वो मासूम। अच्छा, तो दाल के डब्बे में रखती है पैसे, मुझे तो पता ही नहीं था। झूठ झूठ कह रही है। रात को तूने चोर को बताया था ना, तूने ही पता बताया था ना मेरे दाल के डब्बे का? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अम्मा अम्मा, आप पैसे दो ना, कुल्फी खानी है। अरे हट, जहन्नुम में गई तेरी कुल्फी, मुंह थपेड़ दूंगी तेरा इससे, निकल यहां से। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी गायब हो गई, तुझे कुल्फी की पड़ी, निकल यहाँ से। पड़ी है। अम्मा पैसे दो ना, मुझे भी कुल्फी खानी है। हाँ माँ, सदके कुल्फी खानी है, अभी देती हूँ पैसे। एक नहीं दो दो कुल्फियाँ खाना, बल्कि यूं कर सारे बहन भाइयों को ले जा और सबको कुल्फी खिलाना। पैसों की तो फिक्र ही नहीं करो तुम लोग, जा मेरी जान। ये चोर ने किसे कहा तूने? तुझे नहीं कहा, जिसने मेरे पैसे चुराए उसे कहा। अच्छा, तो चोर ने क्यों कहा, चोर क्यों नहीं कहा? मेरी मर्जी, मुझे पक्का यकीन है जिसने मेरे पैसे चुराए वो यकीनन कोई औरत है। अच्छा, घुमा फिरा कर सारी बातें मुझे कह रही है, अच्छी तरह समझती हूँ तेरा कमीनापन। ए, कमीनी होगी तू, समझी? मुंह मत खुलवाइयो मेरा, नहीं तो अभी दाल की पतीली तेरे सर पे उंडेल दूंगी। तो मेरे पैसे चोरी हो गए, और जिस दिन मेरे पैसे चोरी हुए, तूने उसी दिन अपने बच्चों को दो दो कुल्फियां खिलाई। बहुत पैसे हैं मेरे पास, कंगली नहीं हूँ, संभाल के रखती हूँ, तेरी तरह दाल के डब्बे में नहीं रखती। या अल्लाह, या मेरे मालिक, जिसने मेरे पैसे चुराए ना, कीड़े पड़े उसके, इलाही। या अल्लाह, जो मेरे पैसों से कुछ खाए उसके पेट में कीड़े पड़ जाए, इलाही मुंह गल जाए उसका, मैदा सड़ जाए उसका, दांत झड़ झड़ के गिरे उसके, इलाही सुन ले मेरी, सुन ले उसे, चुप कर चैन सी ना, मनहूस। या अल्लाह, ये मजाक कर रही थी, इसकी बात मत सुनना। अल्लाह, किसकी लग गई मुझे? अगर अब मेरे इलाके में किसी दुश्मन ने कदम रखा तो मैं इस चिमटे से उसकी नाक दबा दूंगी। जी अम्मा, क्या
मुंह तो बंद कर अपना, जाके तकिए के गुलाब के अंदर हाथ डाल के पैसे निकालना, पर ध्यान से जाना कहीं लंका जाग ना जाए, समझा? जा 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 मेरा लाल। पेशाब करने की जगह है, हाँ दरिया बहेगा यहाँ पे। नहीं नहीं वो मैं तो मैं क्या बोल, मैं अच्छी तरह चोर की औलाद, माँ ने बच्चों को भी चोर बना दिया, पैसे चोरी करने आया था है? बता, हाँ, कौन खेल में तेरे, चल दबा हो जा, उठ। अम्मा 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 जैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नींद ही खराब कर दी तुम बहुत। अब आगे दिखा कर आप, देखू मैं किसने पीटा है तुझे? तुम्हारे सारे बच्चों ने मुझे मिलके मारा है। ए, सारे बच्चों ने मिलके पीटा है मुझे, और तू तो नन्ना चूचा है ना, चुपचाप पिट लिया ना, तो ये मासूम सा बच्चा तेरे इन गेंड और हाथियों का बिगाड़ी क्या सकता है? हाँ हाँ कहले सब कहले, हाथी गेंडे सब कहले। आने दे तू नवाब को, शाम को बताऊंगी मैं उसे, बताऊंगी उसके फूल जैसे बच्चों को तू कैसे बड़े बड़े जानवरों से मिलाती है। हो ही ना जाए, तेरे मासूम से बच्चे बबूल के कांटे हैं, बबूल के कांटे हर वक्त चुपते रहते हैं। तू खुद होगी बबूल की कांटी, खारदार झाड़ी, दफा हो यहाँ से। हाय मेरा मासूम सा बच्चा, दफा कर, लानत भेज इन पर, नहा धो के कपड़े बदल ले, सुबह ईद है ना तेरे अब्बा आ जाएंगे, इन कठने जानवरों से हमें निजात ही मिल जाएगी, अलग घर में चले जाएंगे हम लोग। चल जा हाथ मुंह धो के कपड़े बदल, जा मेरा बच्चा जा, शानी जा सबको बुला के ले आ बाहर से, और कहो ना हाथों के कपड़े बदल ले, ये इसके मुस्तंडे ईद वाले दिन गुस्लखाने में कब्जा करके बैठ जाते हैं। अम्मा ईदी दो ना। तेरे बच्चे कहां से दूं ईदी, सारे पैसे तो लुटेरे ले गए। आने दे तेरे अब्बा को, इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को 100-100 रुपए ईदी दिलवाऊंगी। 100-100 रुपए? हाँ हाँ जरूर मिलेंगे 100-100 रुपए इन ऐलों मैलों को। ऐले मैले होंगे तेरे, समझी तू, मेरे बिल्कुल नहाए धोए साफ सुथरे बच्चे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को ईदी दिलाऊंगी, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, तुम बाद में आई थी। नंबर भले बाद में आया था बीबी, माने दो नवाब को, देखती हूँ किसकी पहले बारी आएगी, देख लेना तुम। अम्मा आज तो अब्बा आ रहे हैं और आज ईद भी है, जरूर तुमने कोई अच्छी चीज पकाई होगी आज। अरे कहाँ से पकाती हैं? चोरों डाकू लुटेरों से बचता तो कुछ पकाती ना, उधार ले लेके सारे दिन गुजारे मैंने। अम्मा आज तो अब्बा आ रहे ना, इतने सारे पैसे लेकर, तुम थोड़े से पड़ोसन को दे देना। ये तो सच किया तूने है, अब तो पैसे ही पैसे होंगे,
बहुत सारे पैसे, बहुत सारे पैसे। अब परेशानी खत्म हो जाएगी, बस सारे परेशानी के दिन खत्म। अब आखिरी दिन है ये परेशानी का। तो आज भी तुम पड़ोसन से उधार लेके कुछ पका लेती ना। हाय बड़ी लल्लो चल रही है तेरी, हैं? बड़ा डांट रही है मुझे। अम्मी थोड़ा सा पुलाव दे दो ना। अभी नहीं, अब आएंगे ना तो मिलके खाएंगे। बाहर जाके लाइन बना के बैठ जाओ, अभी दिया ना तो नदीदों की नजर लग जाएगी। हाय वाह, खुशी तो देखो जरा मोहतरमा की, ऐसे खुश हो रही है जैसे नवाब इन्हीं के साथ तो खाएगा खाना है ना। तो क्या तेरे साथ खाएगा? मेरे साथ ही खाएगा, देख लेना। नवाब आ गया मेरा। अबे हाँ बे निगार, बताना। अबे ये कौन है, ये आदमी कहाँ से घुसा हुआ तूने घर के अंदर? अरे नवाब कैसी बातें कर रहे हो, बच्चा है तुम्हारा? ये बच्चा है? ये तो बचा हुआ है, हट पीछे नंगा कहीं का। ठेका पूरा हो गया, काम पूरा हो गया? अबे हाँ वो घर वाला ठेका। अबे नहीं यार वो तो हमको मिला ही नहीं, वो तो किसी और को दे दिया उन्होंने अपने आदमी को। हम तो ऐसे हाथ हिलाते रह गए वहाँ पे। फिर हमने सोचा कि हम लौट तो आए गए, पैसे तो खर्च हो गए, तो थोड़ा घूम फिर लेते। घूमते घूमते हम पहुँच गए दाता दरबार। हमने सोचा बीवियों के लिए दुआ कर लें, तो वहाँ बहुत सारे मिस्किन लाचार बेसहारा लोग हमको नजर आया। उसमें से एक को हमने सहारा दे दिया। हाँ पाकिजा, वो पाकिजा अंदर। तो अब ये यहीं रहेंगी? अबे तहरत से क्या देख रहे हो, उठा के नहीं लाया हूँ, खानदानी लोग हैं हम भाई, निगाह करके लाए हैं। क्या? हाँ और यही रहेगी तुम्हारे साथ कमरे में, परेशान नहीं हो। अबे जगह दिल में होनी चाहिए, कमरे में तो खुद ब खुद निकल आएगी जगह। अबे इतना खिलाया किस दिन के लिए, पकड़ अपनी माँ को। अबे चुप, आहिस्ता बोल, जगह दे जगह दे। आ जा भाई आ जा। अरे जमीन पर आ जा, तुझे जन्नत दिखा कर।